What's up everybody and welcome back to another video. आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं Minecraft और Minecraft में आज हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं, कुछ ऐसा जो मैंने आज तक कभी नहीं किया. Yes guys, हम लोग आज करने वाले हैं Minecraft TikTok hacks. तो मैंने बहुत सारे लोगों को इसलिए ट्राई करते हुए देखा है और मुझे बहुत टाइम से करने की इच्छा थी और फाइनली आज मैं इसको कर रहा हूँ. सो बेसिकली हम लोग आज क्या करने वाले, हमारे पास बहुत सारे टिकटॉक्स है जहाँ पर लोग ना अलग अलग तरह के अजीब से चीजें करके दिखाते हैं माइनक्राफ्ट में जो शायद से हमें पता नहीं होती है, और उन्हें देखकर हम उन चीजों को ट्राई करेंगे और जानेंगे कि क्या वो चीज एक्चुअली काम करता है या वो बस टिकटॉक की तरह एक और फर्जी टाइम पास है. सो यस गाइस, मैं आज के वीडियो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि ऐसे चीजों को देखकर बहुत नई नई चीजें माइनक्राफ्ट में सीखने मिलती है. तो शायद से आज हम लोग माइनक्राफ्ट में बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले और साथ साथ बहुत मजे करेंगे. सो शुरू करते हैं आज का वीडियो. आज का सबसे पहला वीडियो, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहला आज का हैक ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूं तो बीच में मत लगा देना, यहां पे लगा देना, बीच में एक लगा देना, जैसे कि एक गेट की शेप बन जाएगी जैसे डोर का. ओके ओके, और यहां पे आप कारपेट्स को क्या करना है लगा देना ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूं. अबे क्या कर रहे हैं, और बाकी साइड्स पे आपको क्या करना है सब जगह पे लगा देनी है कारपेट. तो मैं लगा पर हम इसे बना क्या रहे हैं, यहाँ पे भी आई थिंक इसमें हम लोग कुछ एक टाइप का दरवाजा बना रहे हैं जो शायद से क्या कर देना है, शायद से एक डोर बन रहा है, गड्ढा खोद देना और यहाँ पे एक फेंस गेट लगा देना है उसके ऊपर. ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा है पहले. उसके बाद तब जाओगे तो एक आवाज आएगी दरवाजे की, तो जैसे वापस जाओगे तो वो खुलेगा नहीं, देख रहे हो इनविजिबल गेट बन चुका है हमारा ये यहाँ पे. इसके बाद क्या कर देना है, पे एक और तोड़ देना और यहाँ पे एक सेकंड. पर क्या ये चीज एक्चुअली काम करती है, ये चीज मैंने पहले एक बार देखा है पर आई एम एग्जैक्टली नॉट श्योर कि ये चीज एक्चुअली काम करता है कि नहीं करता है. सो एनीवे जल्दी चलते माइनक्राफ्ट में, और माइनक्राफ्ट में चलकर इनफैक्ट हम लोग एक नया वर्ल्ड बनाने वाले, इसको हम लोग नाम देंगे टिकटॉक हैक्स पार्ट वन. इसको कर लेंगे क्रिएटिव मोड में, अलाउ चीट्स ऑन और क्रिएट वर्ल्ड. ओके, तो चलकर इस दरवाजे वाले ट्रिक को ट्राई करते हैं. तो सबसे पहले हमें चाहिए कुछ भी ब्लॉक, जो हम ले लेंगे आकाशिया की प्लैंक्स ले लेंगे, हम फेंस गेट ले लेंगे, हमें थोड़े से कारपेट चाहिए तो हम कुछ कारपेट्स ले लेंगे, और हमें क्या चाहिए, हमें प्रेशर प्लेट चाहिए. यस, हमें प्रेशर प्लेट चाहिए. ठीक है, प्रेशर प्लेट ले लिया. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक दरवाजे का शेप बनाना है कुछ ये साइज का. ये बन गया हमारा दरवाजा. दरवाजा बनाने के बाद हमें इसे तोड़ना है, हमें यहाँ पर एक फेंस गेट लगाना है. ओए घोड़े, मुझे बनाने दे, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से. मैं यार टिकटॉक हैक्स ट्राई करो, तुम यार बीच में आ रहे हो. अरे फिर बीच में आ गया, तू जाते. अबे हाँ, व्हाट द हेल, पर ये काम कैसे करता है. रुको, पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं जिस तरह से इन्हें बनाना था, और यहाँ पर भी एक लगा देंगे, और ये एंट्रेंस हो गया. पर ये यहां से, अबे यार वो काम कैसे करता है, अबे गाइस इट एक्चुअली वर्क्स. पर एक सेकंड, अगर ये दरवाजा नीचे है तो ये ऊपर के ब्लॉक में मुझे ब्लॉक क्यों कर रहा है. ओ नो आइडिया, मुझे ना ये जानना है कि ये चीज काम कैसे करता है एक्चुअल में. तो अगर मैं इधर एक दरवाजा लगा दू तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक ये दरवाजे के ऊपर के ब्लॉक से हम नहीं जा सकते, राइट. बट यहां तो जा पा रहा हूं मैं. अच्छा गाइस, मुझे शायद समझ गए काम कैसे करता है. तो ये काम किस तरह करता है कि जब भी तुम इसके ऊपर चल के जाओगे ये तुम्हें हल्का सा ऊपर लेता है, हल्का सा मतलब आधा ब्लॉक तुम्हें ऊपर लेता है. और हमारा जो कैरेक्टर है उसका हाइट 2 ब्लॉक का होता है, तो उसको अगर ट्रैवल करना है तो उसे 2 ब्लॉक का हाइट चाहिए. तो अगर मैं इसको तोड़ दूं और इसको मैं ऊंचा कर दूं और प्रेशर प्लेट को ऐसे निकाल दूं तो हम लोग इजी ट्रैवल कर पाएंगे. सो ये जो दरवाजा है, ये दरवाजे का वर्किंग का तरीका एक ही है कि इसको एनी हाउ ये हाइट का होना है, तभी जाकर ये ब्लॉक हो जाएगा, राइट. ये देखो जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ये मुझे आधा ब्लॉक ऊपर खींच ले रहा है. ओह ये, सो आज का पहला टिकटॉक है काम करता है, और आज हमने कुछ नया सीखा टिकटॉक में. नेक्स्ट टिकटॉक, सॉरी माइनक्राफ्ट में टिकटॉक में कुछ नहीं सीख रहे, माइनक्राफ्ट में हमने कुछ नया सीखा. सो अगले हैक की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं कॉइन स्विच कुबेर के बारे में. कॉइन स्विच कुबेर एक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, डोजकॉइन, इथेरियम को बाय और सेल कर सकते हो. मेरे को सिर्फ 3 ही क्रिप्टो करेंसी के नाम आते हैं, पर इनके प्लेटफॉर्म में आपके पास 75 से ज्यादा ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी के जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. कॉइन स्विच कुबेर को यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है.
इतना ज्यादा आसान है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हो या खाना ऑर्डर कर रहे हो। चार्ज करने के लिए आपको इनका एक बहुत ही तेज और स्मार्ट केवाईसी प्रोसेस करवानी पड़ेगी, उसके बाद आप मिनिमम 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इनका प्लेटफॉर्म सब प्रकार के क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए बना है, भले आप नए हो या प्रो। यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल जब मन करे कर सकते हो इंस्टेंटली। ट्रेडिंग इधर 24/7 होता है। इनका प्लेटफॉर्म इंडिया का एकदम टॉप और सिक्योर प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर सिर्फ 12 महीने में 6 मिलियन से ज्यादा लोगों ने साइन अप किया है। और सबसे मजेदार चीज, क्वाइन स्विच कुबेर वालों का अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पर वो लोग माइनक्राफ्ट की लाइव स्ट्रीम करते हैं हीरो ब्रायन SMP से। सच लगा ये रहे क्या? उनके चैनल पे क्रिप्टो करेंसी को लेकर सारे नए अपडेट्स आते हैं। थोड़े डिस्क्रिप्शन में जाओ और डाउनलोड करो क्वाइन स्विच कुबेर एंड साइन अप फॉर अ रेफरल बोनस ऑफ ₹50। बैक टू द वीडियो नाउ। ओके, सो मुझे इसके इन्वेंटरी में जो चीजें दिख रही है वो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक फ्लाइंग मशीन बनाने वाला है। बट ये जो उसने प्लेसमेंट किया है, ये प्लेसमेंट देख के मुझे लग रहा है ये कुछ नया स्टाइल का बनाने वाला है, जो शायद से मुझे बनाना आता नहीं। तो चलकर सीखते क्या बना रहा है। ओके, ओ अबे यार, ये तो बहुत ही सही रॉकेट बन रहा है। ओके ओके, अच्छा, ओ अबे यार, ये क्या सही बनेगा। ये एक्चुअली मतलब रॉकेट मटेरियल है। अबे यार, ये रॉकेट सही लग रही है, पर इसको हम लोग नीचे कैसे लेके आए? मतलब ये ऊपर चले तो जाएगा, पर ये आई थिंक ओके, मेरे इस पूरे बिल्ड से क्वेश्चन है कि जो चीज है ये ऊपर चले तो जाएगा, पर ये नीचे कैसे आएगा? इसको हम वापस नीचे लेकर कैसे आएंगे? दैट इज अ लिटिल डिबेटेबल टॉपिक। तो इस चीज को हम लोग बनाएंगे यहाँ पर। ये जगह मुझे सही लग रहा है इसे लॉन्च करने के लिए, इतना मस्त लग रहा है, समंदर के बीच से लॉन्च होने वाला है। तो सबसे पहले पूरी इन्वेंटरी क्लियर कर लेते हैं। इन्वेंटरी में हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑब्जर्वर, हमें चाहिए सिकी पिस्टन, हमें चाहिए स्लाइम ब्लॉक्स, हमें चाहिए थोड़े से आयरन के ब्लॉक्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद प्लेसिंग। ये इस तरह के फॉर्मेशन में अपने को इनको लगाना है। डन। फिर ऐसे स्लाइम ब्लॉक्स इस तरह से, इधर से ऐसे, ओ इसको नहीं तोड़ना था, स्लाइम ब्लॉक इधर, फिर इसको तोड़ देना है, और यहां से ऊपर की तरफ जो रेडस्टोन का सिग्नल छोड़ेगा एक ऑब्जर्वर, और उसके ऊपर आई थिंक 2 स्लाइम ब्लॉक्स लगाने थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं शायद से भूल चुका हूं, आई डोंट नो क्या करना था। ओ ये आई थिंक इसको कुछ इस तरह से करना है। फिर इसके बाद हमें इधर ऑब्जर्वर्स इस तरह से लगाने हैं, आई डोंट नो, मैं शायद से गलत कर रहा हूं, पर रुको। फिर हमें यहां पर इस तरह से सारे पिस्टन्स लगाने हैं, और अगर मैंने इसको सब कुछ सही सही किया है, जो मैंने मुझे लग रहा है कि मैंने सही सही किया है, तो मेरे नीचे एक ब्लॉक लगाते ही ऊपर उठना चालू होना चाहिए। ओके, 3, 2, 1। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा मैंने गलती क्या किया है भाई। इतनी गंदी वाली गलती करी ना मैंने यहाँ पिस्टन लगाया ही नहीं। तो अगर मैं इधर से सिग्नल छोड़ूंगा तो वो करेगा क्या? यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक पिस्टन चीज लगा दिया, अभी पिस्टन के आसपास पूरा स्लाइम ब्लॉक से इसको भर देना है। फिर उसके ऊपर हमेशा फिर 2 लगाना है यहाँ पर, और ये सभी यहाँ पर हमें लगाने हैं ऑब्जर्वर्स जो ऊपर की तरफ पॉइंटेड होंगे। 2 लग गए, 3 लग गए, 4 लग गए, और उसके बाद स्टिकी पिस्टन्स जो इसको ऊपर खींचेगा, और ये सब कुछ लग चुका है। और आई थिंक इससे हमारा स्पेसशिप तैयार है। सो हमने जो लैंडी था स्पेसशिप बनाया था हमारे UFO के पास, आई थिंक वो स्पेसशिप से ये वाला स्पेसशिप बहुत ही ज्यादा बेटर है। तो इसको चलकर उड़ाते हैं। 3, 2, 1 गो। ये ओए मस्त उड़ रहा है। ओके गाइस गाइस गाइस, मेरा एक प्रश्न है, ये ऐसे उड़ के आसमान तक पहुंच तो जाएगा, पर इसको हम नीचे कैसे लेकर आएंगे? इसको नीचे किस प्रकार लेके आए कोई नहीं जानता, बट आई थिंक ये जो रॉकेट है ना, ये रॉकेट को शायद से नीचे आने के लिए बनाया नहीं गया था। ये रॉकेट को बनाया गया कि ऊपर चले जाए और हमेशा के लिए चले जाए। सो बाय बाय रॉकेट, बाय बाय, मुझे तेरी बहुत याद आएगी, बाय बाय, मैं नया बना लूंगा, बाय बाय रॉकेट, बाय 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 रॉकेट।
साला यूज एंड थ्रो रॉकेट है साला। अभी ये देखकर मेरे को लग रहा है कि जो रॉकेट हमने बनाया हीरो बनने बेटर है यार, एटलीस्ट वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये साला यूज एंड थ्रो रॉकेट है ये तो। एनीवे नेक्स्ट टिकटॉक हैक। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। आज की वीडियो का लाइक गोल रखते हैं 75,000 लाइक्स फिर से। और अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन, उसका जोर से ना ऐसे 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 करके मारो। जल्दी सब्सक्राइब करो, हमको ये ईयर एंड तक 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचने का है। सो सब्सक्राइब द बैक टू द वीडियो। सो हाय गाइस, कि तुम लोग थोर की शक्तियों को माइनक्राफ्ट में यूज करना चाहते हो? यस, मैं थोर बनना चाहता हूं माइनक्राफ्ट में। थोर सिंपल भाषा में बोलूं तो ये एक ऐसा हैक है जिस हैक के बाद जब तुम ट्राइडेंट को फेंकोगे तो उसमें से लाइटिंग बोल्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा और हम थोर बन जाएंगे। इसको करने के लिए तुम लोगों को एक कमांड ब्लॉक लगेगा। कमांड ब्लॉक के अंदर तुम लोगों को ये वाला कमांड ब्लॉक चाहिए। अरे यार, मतलब इस चीज को हम लोग सर्वाइवल में नहीं कर सकते। जिन लोगों को पता नहीं कमांड ब्लॉक क्या चीज होता है, कमांड ब्लॉक एक क्रिएटिव ओनली ब्लॉक है। वो ब्लॉक को तुम सर्वाइवल में ना बना सकते हो, ना क्राफ्ट कर सकते हो, ना प्लेस कर सकते हो, ना तोड़ सकते हो। वो जो ब्लॉक है उसको सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव में यूज किया जा सकता है। सो आई मीन जो इसने बनाया वो थोड़ा सा कूल है, अच्छा है, पर इसको हम लोग सर्वाइवल में कभी नहीं बना सकते। बट एनीवे ट्राई करते ना यार, मुझे थोर बनने मिल रहा है। स्क्रीनशॉट ले लेना, ब्लॉक टाइप को रिपीट पर रखना है एंड रेडस्टोन को ऑलवेज एक्टिव पर रखना है। एंड नाउ गाइस, जब तुम ट्राइडेंट को फेंकोगे तो वहां पर एक लाइटिंग स्ट्राइक होगी और वो जब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम अपने ट्राइडेंट को कलेक्ट ना कर लो। ओह नाइस, ये मुझे पसंद है। सो ये ट्राइडेंट वाली ट्रिक ट्राई करने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए एक ट्राइडेंट, हमें चाहिए लॉयल्टी 3 क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा ट्राइडेंट वापस आ जाए, और हमें चाहिए अनब्रेकिंग 3 क्योंकि फुकड़ का एंचेंटिंग हो रहा है तो लगा लो ना यार। और सबसे इंपॉर्टेंट हमें चाहिए कमांड ब्लॉक। सबसे पहले हम लोग इन दोनों बुक्स को कंबाइन कर लेंगे, ट्राइडेंट पे उसको लगा लेंगे और हमारा ट्राइडेंट इदाबत तैयार है। और अभी हमें लेना है इस कमांड ब्लॉक को और इसे हमें प्लेस करना है यहाँ पर, और इस कमांड ब्लॉक में हमें वो कमांड एंटर करना है जिस बंदे ने वीडियो में दिखाया था। सो सबसे पहले लिखना है एग्जीक्यूट एट द रेट अबे यार, ये जो ट्रिक है ये ट्रिक सिर्फ बेडरॉक में काम करती है और मैं जावा में खेल रहा हूँ। ये ट्रिक जावा में काम बिल्कुल नहीं करती है, ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ बेडरॉक में काम करती है। अबे यार, पर कोई बात नहीं, मेरे पास बेडरॉक वाला भी पड़ा है तो हम लोग। यार ये तो स्कैम हो गया, अब ये ट्रिक को ट्राई करने के लिए बेडरॉक वाली माइनक्राफ्ट चालू करनी पड़ेगी। सो हम लोग आ चुके हैं बेडरॉक वाले माइनक्राफ्ट में। ये माइनक्राफ्ट का बेडरॉक या विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट एडिशन है और इसमें हम लोग भी एक नया वर्ल्ड बनाएंगे। ओके, हमारा वर्ल्ड बन चुका है। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्राइडेंट निकाल लेंगे और हमें चाहिए कमांड ब्लॉक। ओके, तो इस कमांड ब्लॉक के अंदर हम लोग डाल लेंगे वो कमांड जो इस बंदे ने हमें दिया है, इसको कर देंगे रिपीट पे और आई थिंक सो ये बन चुका है, ये कमांड सेट हो गया यहाँ पर। तो अगर हम लोग इस ट्राइडेंट को फेंकेंगे तो प्रोबेबली इसको फेंकते ही सामने सीधा थंडर बोल्ट गिरना चाहिए। तो लेट्स ट्राई। कुछ नहीं हुआ। हो गया। ए भाई ट्राइडेंट वापस दे। अरे भाई क्या बिजली गिरा। रुको, मेरे को इसको, मैं ना इस पे लॉयल्टी का बुक लगा लेता हूँ फटाफट से। ठीक है, तो हमने अभी गेम मोड सर्वाइवल कर लिया और हमारे ट्राइडेंट पे लगा हुआ है लॉयल्टी और यहाँ पर कमांड ब्लॉक भी सेट है। तो ट्राइडेंट को फेंक कर ट्राई करते हैं। ट्राइडेंट जा। भाई मुझ पे भी आग लग गई, यार मेरे पे क्यों आग लग रही है। ओके शिट, शायद से मुझे उसको थोड़ा दूर फेंकना है, मुझे उसको इतना पास नहीं फेंकना है। तो इसको लेंगे और ओ भाई मतलब ये ट्राइडेंट जहां जहां से जाएगा वहां वहां आग लगने वाली है। आसमान में आग लग रही है, ये देखो। ओ भाई गाइस, तुम लोग का पता नहीं पर अगर माइनक्राफ्ट में कोई गॉड वेपन है तो आई थिंक वो यही वेपन है। इससे ज्यादा गॉड वेपन आई डोंट थिंक माइनक्राफ्ट में कभी बन सकता है। ओ भाई पानी का है। नाइस, नेक्स्ट हैक। ओल्ड ब्लॉक्स या फिर आप कोई भी ब्लॉक्स ले सकते हो एंड इसके बीच में हमें रखना है एक स्पेस। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे हमें रखना है एक स्पेस एंड हमें तीन ब्लॉक्स लगाने हैं, यहाँ पे हमें लगाने हैं तीन ब्लॉक्स। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख के एक डिस्पेंसर इधर लगाओ। ये कब से डिस्पेंसर बन गया बे? उसके बाद आप यहाँ पे देख के एक डिस्पेंसर इधर लगाओ
एंड एक डिस्पेंसर इधर लगाओ, ऑब्जर्वर डिस्पेंसर नहीं है तो गाइस आप एक स्टिक पिस्टन यहाँ लगाओ। आई थिंक ये भी एक फ्लाइंग मशीन बना रहा है, पर आई थिंक ये जमीन पे चलने वाला मशीन बना रहा है। को लगाना है फिर एक स्लाइम ब्लॉक, एक स्लाइम ब्लॉक इधर एंड फिर एक स्लाइम ब्लॉक इधर, ठीक है। एंड फिर आपको बेसिकली बस नीचे जाके एक रेस्टोरेंट का ब्लॉक यहाँ पे लगा देना एंड गाइस ये अपने आप चलने लगेगा। आप देख सकते हो गाइस गाड़ी अपने आप चल रही है एंड गाड़ी कभी नहीं रुकने वाली। अरे इसलिए तो गाड़ी का ट्यूटोरियल बता दिया। ओके, ये वाला मेरे को आइडिया नहीं था, तो हम लोग ये गाड़ी बना के ट्राई करते, देखते कि गाड़ी कैसे चलता है। तो हमें चाहिए, जैसे कि उसने लिया था, हम भी ले लेंगे गोल्ड के ब्लॉक्स। हम ले लेंगे एक सादा पिस्टन, एक स्टिकी पिस्टन, एक स्लाइम ब्लॉक, एक डिस्पेंसर, और ये एक डिस्पेंसर हमको चाहिए, और हमें चाहिए एक ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन। सो इसको बनाना चालू करते। सबसे पहले यहाँ पर हम तीन ऐसे ऐसे लगाएंगे गोल्ड के ब्लॉक्स, और गोल्ड के ब्लॉक्स लगाने के बाद मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी जो है ना, मेरी गाड़ी इस तरफ जानी चाहिए, ठीक है। सो इसके बाद हम लेंगे हमारे डिस्पेंसर्स, और डिस्पेंसर्स को हम लगाएंगे एक इधर, दो डिस्पेंसर लग गए, दो स्टिकी पिस्टन लग गए, एक स्लाइम ब्लॉक लग गया, इधर इधर लग गया, साधारण पिस्टन यहाँ पर, एक स्लाइम ब्लॉक इधर, एक स्लाइम ब्लॉक ऊपर, और एक रेड स्टोन का ब्लॉक। और ये ब्लॉक लगते ही ये आगे नहीं जाएगा। ओके बढ़िया, कड़े से आगे नहीं आएगा ये, तो कैसे आगे नहीं आएगा? आई थिंक स्टिकी पिस्टन लगाना है मुझे यहाँ पर, फिर भी आगे नहीं जाएगा। ओके हमने इसको थोड़ा सा खराब कर दिया। ओके मैंने कुछ गलत तो नहीं किया इसमें? इधर ये लगाना है, यहाँ पर एक नॉर्मल सा पिस्टन लगाना है, आई गेट इट, नॉर्मल पिस्टन क्यों है ताकि पीछे ना खींचो उसको, और यहाँ पर एक ब्लॉक पर एक स्टोन। अरे काम क्यों नहीं कर रहा, मैं इसमें कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? एंड एक डिस्पेंसर इधर लगाओ। अबे सही तो लगाया मैंने। आपको लगाना है फिर एक स्लाइम ब्लॉक, एक स्लाइम ब्लॉक इधर एंड फिर एक स्लाइम ब्लॉक इधर, ठीक है। एंड फिर आप गाइस इस साइड आके आपको लगाना है एक नॉर्मल पिस्टन आपको लगाना है इधर, ताकि यहाँ पे क्या गलत कर रहा हूँ देख सकते हो, ठीक है। सब कुछ तो जैसा उसने बोला वैसे ही है। ओ आई थिंक मैं एक चीज गलत कर रहा हूँ, शायद से मुझे यहाँ पर डिस्पेंसर लगाना है। हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, ये रहा एक डिस्पेंसर पिस्टन स्लाइम ब्लॉक फिर इधर एक सादा पिस्टन, स्लाइम ब्लॉक और इधर एक रेडस्टोन। और ये काम नहीं किया क्योंकि ऑफकोर्स ये काम नहीं करेगा। ओके मेरे को जानना है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्या ये अभी के वर्जन में काम करना बंद हो गया इसका? एक इधर एक काम करता हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा ना, मैं इसको इस तरह से आई डोंट नो ये क्या ये अभी काम करेगा। अबे यार इसको खींच नहीं पा रहा है, ये तकलीफ हो रहा है कि पीछे का जो पिस्टन है ना वो आगे नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग आगे कैसे लेकर आए? एक तरीका है इसको ऐसे करने का। अच्छा नहीं, पिस्टन ही जाम हो गया उससे, तो मतलब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो यार ये पिस्टन आगे मूव नहीं कर रहा है, क्या ये चीज 1.17 में काम करना बंद कर दिया है? I mean, अगर ये 1.17 में और काम नहीं करता है तो पता नहीं, पर अगर तुम लोगों को दिख रहा है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, गलत मैं क्या कर रहा हूँ। अगला वीडियो। ओह ये क्या है? वेट, क्या आर्मर स्टैंड रेडस्टोन से डांस करता है? ओके ऑनेस्टली मैंने आज तक आर्मर स्टैंड यूज नहीं किया है, और आर्मर स्टैंड पे मैंने रेडस्टोन का सिग्नल तो बिल्कुल नहीं डाला है, तो मुझे आइडिया नहीं कैसे काम करता है, पर आई एम वेरी एक्साइटेड टू लर्न दिस न्यू टिकटॉक हैक। ओके दोनों साइड ये म्यूजिक ना यार, ये बहुत दिमाग में जा रहा है, म्यूजिक म्यूट कर रहा हूं मैं। ओके, सो हमने एक आर्मर लिया है आर्मर स्टैंड पे। अच्छा ओ अच्छा, सर वाले को ऊपर से डाला ऐसे, फिर ये रेडस्टोन का ओ
क्या ये एक्चुअली काम करता है? लाइक दिस इज वन ऑफ दोस बिल्ड्स जिनको तुम देखकर एक्चुअली सवाल पूछोगे कि क्या ये एक्चुअली काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे आयरन का हम एक ब्लॉक ले लेंगे, हम एक आर्मर का स्टैंड ले लेंगे और हमें थोड़े से डायमंड के आर्मर चाहिए, एक हेड ले लेंगे और इसके अलावा हमें चाहिए रेडस्टोन और हमें चाहिए कंपैरेटर और हमें चाहिए एक रेडस्टोन का टॉर्च। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इन आर्मर स्टैंड्स को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो दो आर्मर स्टैंड ले लिए, इनमें हमें ये सारे चीजें लगाने हैं, ये लग गए, ये जूते भी लग गए, ठीक है। अभी हमें इन दोनों आर्मर स्टैंड के ऊपर एक और आर्मर स्टैंड लगाना है जिस आर्मर स्टैंड में होगा सर, और ये लग गया हमारा दूसरा आर्मर स्टैंड ऊपर। दोनों जगह आर्मर स्टैंड लग चुका है, दोनों में एक एक सर लगा दिया है और ये दोनों आर्मर स्टैंड अंदर गिर गया जिससे वो सर हमारे इसके अंदर थोड़ा सा अजीब सा घुसा है, बट इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ पर दो रेडस्टोन के टॉर्चेस लगेंगे, इसके बाद हमें यहाँ पर से ऐसे सिग्नल को देना है, यहाँ पर एक कंपैरेटर और यहाँ पर दो कंपैरेटर, ओके। सो इसके बाद हमें इसको इस तरह से लगा देना है और ये डांस करने चाहिए। भाई लोग, तुम लोगों को नाचने का है भाई, हेलो ओ भाई लोग, तुम लोग को डांस करने का डांस। अबे यार ये मुझे लग रहा है एक और चीज जो शायद जावा में काम नहीं करता है, क्योंकि ये बंदा बेडरॉक यूज कर रहा था। तो हमें फिर से ओपन करना पड़ेगा बेडरॉक जस्ट टू ट्राई दिस, ठीक है। हमने बेडरॉक को लोड कर लिया है भाई, आई होप ये चीज बेडरॉक में काम करे, तो मुझे कुछ तो भी एटलीस्ट देखने में डांसिंग ना एटलीस्ट, ठीक है। हमारे दोनों आर्मर स्टैंड तैयार है, अभी हमें रेडस्टोन का काम करना है। तो रेडस्टोन के लिए हमें चाहिए रेडस्टोन का टॉर्च, हमें चाहिए रेडस्टोन डस्ट और हमें चाहिए रेडस्टोन का कंपैरेटर, ठीक है। एक टॉर्च यहाँ पर, एक टॉर्च यहाँ पर, डस्ट कुछ इस तरह से लग जाएंगे, यहाँ पर कंपैरेटर, ये कंपैरेटर इधर, एक कंपैरेटर इधर और ये सीधा पावर यहाँ पर। ओ ये ये लोग एक्चुअली डांस कर रहे हैं। अबे यार मोजैंग ये चीज जावा में क्यों नहीं है? अबे यार बेडरॉक में क्या मस्त डांस कर रहे हैं इन लोग, यार ये चीज जावा में चाहिए ना, हमें यार ये चीजें हमें जावा में चाहिए। मोजैंग प्लीज मोजैंग ये डाल दे जावा में। सो ये हैक भी काम कर गया, पर ये हैक काम करता है सिर्फ और सिर्फ बेडरॉक में। दिस म्यूजिक गॉट सो अनोइंग सो फास्ट, आई नो कुकी चिकन 84, सेम मेरे साथ भी सेम हुआ, मुझे भी पहले मजा आ रहा था, फिर 2 सेकंड के अंदर मेरा भी दिमाग खराब हो गया। अगला टिकटॉक हैक, ऑटोमेटिक लावा ब्रिज, ओ आई थिंक स्ट्रिंग यूज करेगा। ओ हा ये बताए मुझे। ये वाला जो चीज है ये बहुत ही मस्त चीज है, जो एक्चुअली देखकर बहुत डर लगता है जाने से पहले, पर एक बार तुम जाना चालू करो तो बहुत मजा आ जाता है। ये वाला बिल्ड ना मैंने शायद से रिसेंटली कहीं तो देखा था, पर मुझे ये कभी बनाना हुआ नहीं, तो अभी चलकर बनाएंगे। हमें इसके लिए चाहिए लावा बकेट ऑफ कोर्स, हमें इसके लिए चाहिए कुछ स्ट्रिंग्स, हमें इसके लिए चाहिए वो क्या बोलते हैं वो कोने में जो अटकाता है, ट्रिप वायर हुक चाहिए, हमें चाहिए पिस्टन्स, ये रहा पिस्टन, हमें चाहिए ग्लास से ना इसमें और ज्यादा फटती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक जगह मार्कआउट कर लेते हैं, कुछ ये साइज का, आई थिंक ये साइज सही रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर पूरा लावा भर देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लावा भर दिया है और ये बाजू में आग लगना चालू हो गया, रुक जा भाई, ठीक है। तो ये लग चुका है यहाँ पर, उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कुछ पिस्टन्स, जो पिस्टन्स हमारे ग्लास को पुश करेगा लावा के ऊपर, जिसके ऊपर से हम चलकर जा पाएंगे। और यार ये घास है ना, ये घास बहुत अनोइंग है, इसके चक्कर में कुछ प्लेस नहीं कर पाते उन जगह पे। और उसके बाद हम लोग लगा देंगे यहाँ पर हमारा ग्लास, ये एक्चुअल टिंटेड ग्लास है जिससे लाइट भी क्रॉस नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमें लगाना है यहाँ पर हमारा स्टोन का ब्रिक्स, या तुम्हें जो भी लगा तुम लगा सकते हो, ठीक है। ये इसको भी हमने यहाँ से बंद कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर ट्रिप वायर हुक्स लगाने बहुत सारे, हर एक में हमें एक एक चाहिए ट्रिप वायर हुक, जिससे हर एक पिस्टन फायर कर सके, ठीक है। ट्रिप वायर हुक लग गया सारे, उसके बाद हमें हर एक में स्ट्रिंग्स लगाना, इनफैक्ट ठीक है, अभी हर एक ट्रिप वायर को कनेक्ट करना है हमें स्ट्रिंग से। ये सारे ट्रिप वायर्स को हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ओके।
सो यहाँ पर सारे ट्रिप वायर हुक्स कनेक्ट हो चुके हैं। एक्चुअली ना इसको पता है क्या, अगर हम लोग को और खतरनाक बनाना हो ना, इसको हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से अगर बंद कर दे ऊपर से भी, तो ना ये ना देखने में और खतरनाक लगेगा और समझेगा भी नहीं कि एक्चुअल में अंदर क्या हो रहा है। सो इसको हम लोग ऊपर से भी बंद कर देंगे कुछ इस तरह से। ओके सो अभी ये तैयार है। अगर तुम यहां से नीचे देखो तो यहां पर डायरेक्टली नीचे लावा है, अगर कोई सीधा नीचे जाए तो गिर जाएगा, पर अगर तुम यहां पर सीधे सीधे चलकर जाओ तो तुम बिल्कुल भी नहीं गिरोगे। ओहो एकदम एक्यूरेट टाइम पर सारे ब्लॉक्स जगह पे प्लेस हो जाते तुम्हारे चलने के लिए, और जैसे ही तुम चलकर आगे निकल जाओ सारे ब्लॉक्स और नीचे रह जाते हैं। नेक्स्ट टिकटॉक हैक। ओके ओ मेरे को समझ गया क्या कर रहा है। आई थिंक ये बीकन ने कलर चेंज करेगा। ओ भाई ओके ये गाइस ये चीज मैं जानता हूँ कि बहुत ही ज्यादा कूल लगता है, ऑल्दो मेरे पास बीकन खुद का है नहीं, पर हीरो ब्राइन में जहां पर मैं रहता हूँ वहां पर बहुत सारे बीकन्स हैं। तो चलो चलकर इस चीज को ट्राई करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए नेदरराइट। यस हम नेदरराइट का बीकन बनाएंगे क्योंकि क्रिएटिव में बना रहा हूँ, तो यार नेदरराइट का बनाऊंगा ना यार, क्रिएटिव में थोड़ी आयरन का बीकन बनाऊंगा, ये रहेगा मैं। ठीक है तो इसके बाद हमें ले लेना है ग्लास अलग अलग टाइप का। ठीक है सबसे पहले बीकन बनाते हैं। तो बीकन बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह से इन्हें प्लेस करना है, ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया प्लेस। बीकन चालू होगा, बीकन चालू हो जा। ओ ये बीकन चालू हो गया। ठीक है बीकन चालू होने के बाद हम सबसे उसके बाद हमें करना है कि हमें यहाँ पर ऐसे ऐसे ये लगाते रहना है रिपीटर्स। रिपीटर्स के बाद हमें लगाना है यहाँ पर रेडस्टोन के डस्ट बहुत सारे, और इनको डीले पे दे देंगे ताकि थोड़ा सा टाइम मिल जाए उसको चालू बंद होने का। ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे हम एक एक डिस्पेंसर और एक पिस्टन। यहाँ पर दो ब्लॉक हाइट पर बनाएंगे और दो ब्लॉक हाइट पर हम इधर एक पिस्टन लगा लेंगे। सेम चीज इसको हम लोग कर लेंगे एक ब्लॉक हाइट पर। आई थिंक ये दोनों साइड अगर हम लोग एक एक ब्लॉक इस तरह से हाइट पे कर ले तो ये सही से काम कर जाएगा। ठीक है इसको हम थोड़े और हाइट पे बना लेंगे, और ये वाला इधर लग गया। सो सबसे पहले अगर हम लोग इसको भी ट्राई करें चलाकर, तो क्या ये सारे पिस्टन काम करेंगे? ये कोई तो दो एक साथ काम कर रहा है। ओके तो इसका हम लोग ना एक और चीज कर सकते हैं। मैं अगर इसको तोड़ दूं और इस सारे रिपीटर्स को मैं इधर लेकर आ जाऊं, जिससे क्या होगा रिपीटर्स का जो पास सिग्नल है ये उसी को लेगा। ये रहा रिपीटर का सिग्नल। ओके आई डोंट नो ये सही काम करेगा या नहीं, हम बस इसको ट्रायल मारे जा रहे इसको। ठीक है हो चुका है। अभी हमें लेना है अलग अलग टाइप के ग्लास। ठीक है चार अलग टाइप के ग्लास हो गए, सारे ग्लासेस को लगा लेंगे यहाँ पर ऐसे एक एक कर करके, और ये चारों के चारों ग्लास हमारे लग चुके हैं। और अभी ट्राई करते हैं इसको चलाकर। ओ ये यहाँ पर एक्चुअली खिचड़ी बन रही है। ये थोड़ा सा इन लोग खिचड़ी पका रहे चार सारे मिलके यहाँ पर, बट It works. ठीक है कलर बदल रहे हैं। हमने सिर्फ चार कलर चूज किए थे और यहाँ पर हमें और भी ज्यादा कलर नजर आ रहे हैं। बट it works. It kind of works. ये चीज काम कर रही है। अगर इस चीज को हमें थोड़ा सा और अगर हमें इसको कूल बनाना हो तो हम इसको कुछ इस तरह से और कूल बना सकते हैं। अगर हम लोग हर एक के पीछे एक एक और ऑब्जर्वर लगा ले ऐसे, और इन ऑब्जर्वर्स के पीछे हम लोग लगा ले एक एक नोट ब्लॉक, और इन फैक्ट नोट ब्लॉक के साथ साथ अगर हम लोग ले एक गोल्ड, एक एमरल्ड, एक डायमंड और एक हेस्टैग, आई थिंक एक हेस्टैग ले ले। सो इससे हम लोग थोड़ा सा म्यूजिक बजा पाएंगे। तो ये दो तीन और ये हो गया चार। अभी हर एक के नीचे एक एक आइटम रख लेंगे। इसके नीचे ये रख लिया, इसके नीचे एमरल्ड रख लिया, इसके नीचे डायमंड रख लिया, और इसके नीचे रख लिया हेस्टैग। ठीक है तो अभी ये पिस्टन्स के साथ साथ कलर तो बदलेगा पर उसके साथ साथ ये गाना बजाएगा। बहुत अजीब लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है सुनने को। सो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हर एक पे ना एमरल्ड लगा देते हैं। ठीक है एमरल्ड का जो साउंड है वो थोड़ा बीकन जैसा लगता है। सो हम इन नोट ब्लॉक पे थोड़ा सा की दे देंगे, पांच
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, और इनफैक्ट हम लोग उसको F3 दबाकर देख सकते हैं, तो इसको कर देंगे 20। ठीक है, अभी चलाते हैं इसको। नॉट बैड, नॉट बैड, मतलब हमने हमारा खुद का एक टिकटॉक हैक बना लिया आज। सो ये एक कूल सा, एक फालतू सा मशीन हमने बनाया जिसका कोई सेंस नहीं बनता, बट हमने बनाया। ठीक है, अगले हैक की बारी। गाइज मैं आज आपको एकदम इनसेन माइनक्राफ्ट बिल्ड हैक बताने वाला हूं जो आपको अभी के अभी अपने वर्ल्ड में ट्राई करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइज आपको इस तरीके से पावर रेल लगा देने हैं। गाइज आपको इस तरीके से सोल सैंड लगा देने हैं जब तक आपको दूसरा आयरन ना दिख जाए, और गाइज ये देखने में कुछ ऐसा दिखेगा। okay. और आपको दूसरी और पावर रेल लगा देनी है, और आपको दोनों पावर रेल को एक्टिवेट कर देना है, और गाइज आपका माइनक्राफ्ट बिल्ड हैक बन चुका है। गाइज अगर आप इसके ऊपर बैठोगे और आप इस पर राइड करोगे तो गाइज आपको इतने मजा आएगा। देख भाई, अपने को रेल बचाने की टेंशन नहीं, हमारे पास इधर रेल का फार्म है, पर ये चीज एक्चुअली मजेदार लग रही है। सो इसको ट्राई करने के लिए हमें थोड़ा सा नदी ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पर नदी है, क्योंकि ये समंदर है। क्या यहाँ पर कहीं नदी है क्या? अभी ये क्या जगह है? अभी मैंने ऐसा जगह आज तक कभी देखा नहीं है। अभी एक ब्लॉक की पानी, नाइस। ओके, तो वो बंदे ने जो किया था उस चीज को ना, मैं सोच रहा हूँ हम उसको थोड़ा और लंबा करते, ठीक है? हम उस चीज को ना यहाँ से लेकर अब ये झाड़ बीच में क्यों आ रहा है, कर जाना। हाँ, हम उस चीज को यहाँ से लेकर वहां तक बनाएंगे। सो सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए माइन कार्ड, हमें चाहिए रेल माइन कार्ड, हमें चाहिए सोल सैंड, हमें चाहिए रेडस्टोन का टॉर्च, और इनफैक्ट मुझे थोड़े से बिल्डिंग ब्लॉक्स भी चाहिए। ठीक है, सो उसको हम लोग यहाँ से नीचे लेकर जाएंगे। सो ये बन गया हमारा एक टर्मिनल की तरह एरिया, ये यहाँ से इतना नीचे लेकर आ गए। अभी चल के लगाते सोल सैंड। ओ भाई, मेरे को बहुत सारा सोल सैंड लगाना है, पर इट विल बी वर्थ इट अगर ये एक्चुअली काम करता हो तो। ओके, पूरा अंडर वाटर में सोल सैंड लगाते रहना है। ठीक है, ये लग गया सोल सैंड इधर। और अबे यार, ये चीज तो बड़ी कूल से लग रही है, ये तो मजेदार लग रहा है मुझे थोड़ा सा। ठीक है, सोल सैंड इधर, ऐसे एक भी गैप छूटनी नहीं चाहिए। और ये हम लोग अभी ऊपर आ रहे हैं। अबे ये वाली काम क्यों नहीं कर रही है, लास्ट वाली? ओके, सो जो लास्ट के दो तीन सोल सैंड काम नहीं कर रहे उनको जल्दी से हम लोग चालू कर लेते हैं। ओके, ये वाली भी चालू हो गई होगी। ठीक है, इस तरफ से चालू हो गया। अभी पूरे समंदर में अंदर हमने सोल सैंड लगा दिया है, और दूसरे तरफ चलकर इधर भी हमको एक लगाना है, एक रेस्टोरेंट टॉर्च। और ओ, ये एक जगह पर ही फुदक रहा है। कुछ तो मैंने गलत किया है, आई थिंक मुझे उसको कुछ इस तरह से करना था। आई थिंक ये सही है। अब ट्राई करते हैं इसको एक बार। ये मुझे उड़ा तो रहा है, पर ये मुझे आगे लेकर नहीं जा रहा है। ओके, शायद से ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो चुका है, इतना लंबा मुझे शायद से नहीं करना चाहिए था। ओके, इस तरफ ट्राई करते। फिर से ये मुझे एक ही जगह पर उड़ा रहा है, ये मुझे आगे थोड़ा भी लेकर नहीं जा रहा है, मुझे यही पे उड़ा रहा है बार बार। आई गेस इसको मैंने थोड़ा गलत किया है, बट आई डोंट थिंक ये काम करता है, मतलब काम करता होगा शायद से, मैंने गलत किया है बट मेरे लिए काम नहीं किया वो चीज। सो गाइस, आज ये टिकटॉक वायरल हैक्स माइनक्राफ्ट में ट्राई करके मुझे बहुत सारे नए नए चीज सीखने मिली माइनक्राफ्ट में, जो हम लोग अभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड में। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और तुमसे मिलता हूं अगले वीडियो तक के लिए। बाय बाय।